तो करेंगे अगली खबर का। यूपी में बिना शपथ के मंत्री पर राज्यपाल ने सवाल उठाए हैं। दरअसल अखिलेश सरकार ने करीब 2 महीने पहले हुए विस्तार में जियाउद्दीन रिजवी को राज्य मंत्री बनाया था, लेकिन विदेश में होने की वजह से वो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो सके। माना जा रहा था कि विदेश से लौटकर राजभवन में वो शपथ ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है। ये शपथ ग्रहण 27 जून को हुआ था और उसी दिन उन्हें राज्य मंत्री बनाए जाने की घोषणा कर दी गई, लेकिन अब 2 महीने से ज्यादा बीत जाने पर जब उन्होंने शपथ नहीं ली तो राज्यपाल ने सरकार के से जियाउद्दीन की स्थिति के बारे में पूछा है। राज्यपाल ने सवाल किया है कि आखिर अब तक उन्होंने शपथ क्यों नहीं ली है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची सदा की मैं विधि द्वारा स्थापित। शलभमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ में समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शलभमणि, वाकई दो महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अगर शपथ ग्रहण की बात हो तो आखिर अभी तक शपथ क्यों नहीं ली गई, बड़ा सवाल यही है। नैना, थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है जियाउद्दीन रिजवी को लेकर कि वो राज्य मंत्री के तौर पर उनकी नियुक्ति की थी सरकार ने और बकायदे अधिसूचना जारी हुई थी राज्यपाल के यहाँ से कि उनको राज्य मंत्री बना दिया गया है, लेकिन जब शपथ लेनी थी उस वक्त वो विदेश थे और इस वजह से उन्होंने शपथ नहीं ली थी। लेकिन उसके बाद लौटने के बाद भी 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक उनकी शपथ नहीं हुई है। ऐसे में राज्यपाल ने सरकार से पूछा है कि उनकी स्थिति क्या है, वो मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे और उनको शपथ क्यों नहीं दिलाई गई है। अब ये देखना होगा कि सरकार इसका क्या जवाब देती है, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात यह है कि वो मंत्री भी हैं और उनकी शपथ नहीं है, लिहाजा वो अभी काम भी नहीं शुरू कर पा रहे अपना, और इसको लेकर सरकार को स्पष्ट करना होगा कि आखिर क्या वजह है जिनकी वजह से। तो शलभमणि, आखिर इस तरह की स्थिति निर्मित क्यों हो रही है, क्या अभी भी किसी तरह की कश्मकश है? जो एक प्रोसेस है उसके अनुसार तो अभी तक अगर राज्य मंत्री का दर्जा है तो जो एक पूरी प्रक्रिया है उसका पालन होना जरूरी था, क्या अभी भी किसी तरह की कश्मकश सरकार की ओर से है? मुझे लगता है कि आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है, कश्मकश है सरकार की तरफ से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पहले जो समीकरण थे सरकार के उसमें जियाउद्दीन रिजवी को राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बीच 2 महीने का जब वक्त बीता है तो सरकार को लगता है कि उनकी जगह किसी और को मंत्री बनाया जाना चाहिए और यही वजह है कि अभी तक उनकी शपथ नहीं कराई गई है। बिल्कुल, अब आगे सरकार का क्या स्टैंड होता है ये देखने वाली बात होगी। शलभ, आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लगातार लेंगे।